दोस्तों, मेरा ये वाला जो दो बैटरी है ये ख़राब है, पर इसमें चार्ज दिखा रहा है पर इससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा मल्टीमीटर का प्रोब। अब मैं इसमें देखता हूँ तो देखिए, इसमें 3.29 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज काफ़ी है एक एलईडी को चलाने के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें भी लगभग सेम तरह का वोल्टेज है। तो हम इसे चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो देखिए, मैं इसे लगाता हूँ इस पर, तो एलईडी का जो प्लस माइनस है वो मैं दिखा देता हूँ। ये इस साइड वाला एलईडी का प्लस है, इस साइड वाला माइनस है। तो हम प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, तो बैटरी का प्लस ये रहा। ठीक है, तो इस पे हम जोड़ते हैं और इस पे हम जोड़ते हैं। तो देखिए, तो ये वोल्टेज तो शो कर रहा है पर ये एलईडी को ग्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये एलईडी को ग्लो नहीं कर पा रहा है। आप इस बड़े वाले बैटरी में देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं इसमें ये देखिए, तो ये रहा मेरा प्लस और ये रहा और ये रहा। ये देखिए, ये नहीं जल रहा है एकदम से। लगता है मैंने कनेक्शन गलत किया है। अब मैं इसे उल्टा के देखता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये बस एक हल्का सा हल्का एक बार ग्लो करके बुझ जा रहा है। मतलब इसमें भी चार्ज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम ठीक करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो दोस्तों पहले तो हम इसका जो ढक्कन है, ठीक है, इसका ये ढक्कन हम खोलेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से खुल जाता है। तो इस तरह से इसका जो ढक्कन है ये खुल जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो करना है, ये इसमें एसिड है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका संकेत है H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम डालेंगे इसमें। तो इसको, ये डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, इसमें डिस्टिल वाटर भी मिलाया गया है। ठीक है, एक लिमिट मात्रा पर। और फिर हम इसको इसमें डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैं इस पे ये जो है एसिड डालूँगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, ये लॉक करके फिर हम देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि है, मैंने इसमें ये जो एसिड है, ठीक है, वो डाल लिया है। ठीक है, अब देखते हैं, इसे मैंने चार्ज किया है, अब देखते हैं कि ये चार्ज हो पाया है कि नहीं। पहले हम इस 3 mm एलईडी के साथ इसे टेस्ट करेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो ये वाला है, तो इसको हम पॉजिटिव में लगाएंगे। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ओ सॉरी, मैंने गलत लगा दिया लगता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब इसे हम लोग जो है, इसके बाद हम ये 5 mm की एलईडी के साथ ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। अब हम इसे इस तरह का जो 5 mm का जो एलईडी है इसके साथ टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा मेरा एक तार और ये रहा। अब देखते हैं, तो देख रहे हो दोस्तों कितना ग्लोइंग कर रहा है ये। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है
जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उससे आप ठीक कर सकते हो बैटरी को। पर याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा है, ठीक है, वो कम होना चाहिए। मतलब जो है लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, मतलब एकदम गाढ़ा वाला नहीं, ठीक है। उसके साथ डिस्टिल वाटर मिलाना पड़ता है, फिर जाके आप बैटरी बैटरी का जो बैटरी में अगर डालोगे तो काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताना।